अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों को इजी के ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद, वजह आप लोगों को पता ही है। आज मैंने कहा चलो जैसे भी है, इज्जत भी ठीक है नहीं ठीक है, मुंह बंद और चलो काम पे। और मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है कि फुल ड्राई क्रमलिंग की वीडियो बनाए। इवन दो इतनी डस्ट उड़ गया था कि मेरा नाक अच्छी तरह से ही बंद हो गया, लेकिन मैंने कहा काफ़ी देर से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़िंदगी का क्या भरोसा होता है, तो चलो अच्छा यार सब्सक्राइबर्स के कहने पे कर ही देते हैं एक दफ़ा ना फुल ड्राइव। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ स्ट्रक्चर की तरफ जहाँ पर मैंने ड्राई क्रमलिंग की है, तो फिर हम आप देखते हैं कि कौन सा टेक्चर की ड्राई क्रमलिंग की है। आज आप लोगों के फेवरेट टेक्चर की भी वीडियो आ रही है और वो है जी हैंडमेड गिरी टेक्स्चर। बहुत ही कमाल किस्म की हैंडमेड गिरी टेक्स्चर की वीडियो बनी है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। माई मोस्ट फेवरेट टेक्स्चर आज फाइनली इसकी वीडियो आ गई है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ उस तरफ। देखें कितनी खूबसूरती से फिजान ने सफाई की हुई है। उसके बाद हवाएं नहीं चली तो अभी तक सफाई जो है बरकरार भी है। यहाँ मैंने फुल ड्राई क्रमलिंग वीडियो की है, यहाँ पे भी ड्राई क्रमलिंग की है और मैंने यहाँ पर भी ड्राई क्रमलिंग वीडियो रिकॉर्ड की है आप लोगों की पर जोर फरमाइश पर। ठीक है, अब आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और जिसकी भी रिक्वेस्ट थी इस फुल ड्राई क्रमलिंग की उसने ज़रूर अप्रिशिएट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप लोग जो हों, मैंने ये स्पेशल शेप्स बचा ली थी अपने व्लॉग क्रमलिंग के लिए। मैंने कहा आज मैंने अपने काफ़ी दिनों बाद न्यू वीडियो बनानी है तो चलो जो है वो अच्छी सी व्लॉग क्रमलिंग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये फिजान ने थोड़ा लिटल बिट हार्ड किया हुआ था टेक्चर और फिर बस बना ही लिया मैंने, लेकिन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। इतना शोर होता है ना इस टाइम, क्योंकि तकरीबन इस टाइम जो है ना वो रोज़ा खुलने के करीब होता है, तो सारे मुसाफिर अपने अपने घरों को ना वापस लौट रहे होते हैं, इस वजह से जो है वो शोर बड़ा होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है वीडियो रिकॉर्ड होगी टाइम से। अब तो मतलब कि रोज़ा भी पहले से आधा घंटा लेट होता है, टाइम चेंज हुआ है काफ़ी, तो इस टाइम जो है वो टाइम होता है फिर भी पहले की नस्बत। और आप सब सुनाएं कैसे हैं आप सब लोग, मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे ब्लॉग के नीचे मुझे बहुत ज़्यादा दवाएं दी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच उन सब की दवाओं का। आई एम सो ग्लैड टू हैव अ सब्सक्राइबर्स लाइक ऑल ऑफ यू। जहाँ पे हेट कमेंट्स करने वाले होते हैं भाई, वहाँ पर मोहब्बत वाले कमेंट्स और ना ब्लेसफुल कमेंट्स करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, इसीलिए फिर मेरा भी दिल किया कि आज अपने सब्सक्राइबर्स की विश को पूरा किया जाए। लोग बनाना ना वैसे मिनी का ही काम है, वो बड़ी एक्सपर्ट है, बतूनी है ना वो, थोड़ी सी बहुत बातें करती है। मेरा मुझसे तो मुझे समझ नहीं आता बोलूँ क्या, इसलिए भी मैं क्रमलिंग करते हुए चुप कर जाती हूँ। कभी कभी कुछ बोलने को होता है तो बोल लेती हूँ। मैं ज़रा सा कम गोऊँ, बहुत कम बोलती हूँ, इतना भी कम नहीं बोलती, लेकिन बस इतना भी नहीं बोलती जितना मिनी बोलती है, वो तो चबड़ चबड़ बोलती है। आप लोगों को अंदाज़ा हो गई उनके लोग से। अभी मिनी ईद पर आएगी अपनी छोटी सी चुटकी को लेके, माशाल्लाह इतनी तेज़ हो गई है उसकी बेटी, बहुत तेज़ हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पे है। चलाकी के मामले में पटर पटर आके खोल के देखती है पूरे घर की तरफ, माशाल्लाह। टू मंथ्स की हो गई ना, टू मंथ्स और फाइव डेज़ की, तो माशाल्लाह बहुत चलाक हो गई है, बड़ी क्यूट है, इतनी क्यूट है ना, उसको उठा के भी करता है बंदा पारियाँ करी जाए, माशाल्लाह लगता जिंदगी वाली करे। ना कोई कोई शेप से ना उसने, मैं मूसा कहने लगी थी, कोई कोई शेप उसने बहुत प्यारी बनाई हुई है, बिल्कुल लेवल की कि हाथ में करोड़ मेल्ट हो जाती है, और कोई कोई हार्ट की हुई है। आज फिजान ने भी छुट्टी मारी क्योंकि मैं बीमार थी तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो कोई टेक्सचर ही बनाने वाला नहीं था, तो फिजान ने भी छुट्टी कर ली। अब कल आएगा और ये टेक्सचर बनाएगा, कहता होगा बाजी सही है आए दिन छुट्टी करके बैठ जाती है, उसकी भी तो मौज लग जाती है ना साथ। चलें जी, मेरा ख्याल है इतनी इस टेक्सचर की ब्लॉक क्रमलिंग इनफ है, एक और टेक्सचर की तरफ लेकर जाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आई होप सो गाइस यू लाइक दिस टेक्सचर्स वीडियो।
अच्छा ये मैं ना लास्ट टाइम भी देख रही थी, फिजान ने ना ये बहुत हार्ड किया हुआ ये टेक्सचर, पता नहीं मैंने इसकी कैसी वीडियो बनानी है। ये वाली शेप फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें से मुझे बहुत हार्ड लग रही है। चलें खैर, इतनी क्रमिंग बहुत, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्रमिंग तो आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में भी देख लेनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज पाकिस्तान में 24वां रोज़ा है, और आलमोस्ट अगर 29 रोज़े हुए तो फिर रह गए हैं 5 रोज़े, और अगर हुए 30 रोज़े तो फिर रहते हैं जी 6 रोज़े माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान, बहुत ब्लेस्ड गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और मैं सोचती होती थी कि रमज़ान में वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है ना, एनर्जी लेवल इतना बंदे का डाउन हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इतना फ़ील नहीं हुआ। और ख़ासतौर पर मैं आती ही इस टाइम थी वीडियो बनाने के लिए, तो इस टाइम वीडियो बना के जब मैं जाती हूँ ना घर, तो मैंने मतलब फ़्रेश होना होता है, मैंने वज़ू कर लेना होता है, और इतनी देर में ना कि 5-10 मिनट में रोज़ा खुल जाता है। और अगर यही मैं सुबह सुबह आती ना वीडियो बनाने, जैसे पहले हम आते हैं मैं और मियाँ आते होते थे फजर के बाद, तो फिर अगर बंदा उसी टाइम आके वीडियो बनाए ना, तो फिर बंदे को उसी टाइम ही रोज़ा लग जाता है। ज़ाहिर है जब आप मशक्क़त करते हो तो आप प्यास लगती है, आपका खाना पीना उसी टाइम हज़म हो जाता है, तो दैट्स वाई मैंने। और अभी वैसे भी इतनी गर्मी नहीं आई कि सुबह सुबह आके वीडियो बनाई जाए, सुबह सुबह तो मैं कंबल लेके सोती हूँ। लेकिन ईद के बाद देखेंगे कि आज क्या जब बनता है, कुछ नहीं कह सकते। मैं अक्सर बैठी सोचती थी कि रमज़ान में कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, और वो कर भी लिया और पता भी नहीं लगा। बस ये पिछले 2-3 दिन छुट्टियाँ, 2 दिन आई थी छुट्टी की है क्योंकि मैं बीमार थी, उससे पहले तो तकरीबन रोज़ ही नई वीडियो आती रही हैं। एक छुट्टी होती थी फ्राइडे की, कल भी फ्राइडे है तो पता नहीं कल वीडियो बनेगी कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं ज़रूर बनाऊं, क्योंकि कल जुमातुल विदा है रमज़ान अल मुबारक का, तो आई थिंक सो लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मेरे लास्ट व्लॉग के नीचे, मुझे दुआएं दी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने मेरा व्लॉग सुना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। और आप अगले व्लॉग में जो भी देखना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट, जैसे आप क्वेश्चन आंसर व्लॉग आपकी फरमाइश पे बना, आप लोगों ने कहा कि इजी क्वेश्चन आंसर व्लॉग में बताएं आप क्या करती हैं दिस एंड दैट, और इसके अलावा आपने जो जो मतलब कहा कि व्लॉग में ईजा बताएं इजी बताएं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ चाहते हैं व्लॉग में जानना और देखना, तो डेफ़िनेटली यू विल टेल मी गाइस इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अगले व्लॉग में क्या बनाना है, क्या बोलना है। इस तरह भी मैं भी सोचती हूँ कि यार व्लॉग ना डालो तो सब्सक्राइबर्स कहते हैं, व्लॉग नहीं डाला, और व्लॉग डालूँ तो क्रमलिंग के साथ समझ नहीं आता कि बोलूँ क्या, एज आई मैंशन डर लिया कि मैं थोड़ा सा कम गाऊँ, तो याद है इस रीज़न भी आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे अच्छा अच्छा सा सजेशन देंगे कि आप इस चीज़ पर व्लॉग बनाएं, आप व्लॉग में ये करें वो करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरी वन, मुझे दें इजाज़त, मैं जा रही हूँ वापस, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।